चलो तो लेट स्टार्ट विद समथिंग न्यू टुडे। देखो हमने ये तो सीखा था सर, क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में आएगा तो हम लोग उसको लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में एंड बैलेंस शीट के एसेट में। फिर हमने सीखा था डेप्रिसिएशन अगर एडजस्टमेंट में आएगा तो सर लेस फ्रॉम फिक्स्ड एसेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अगर अगर सपोज ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं तुमको जो लिखा रहा हूं ना थोड़ा ध्यान से बाद में कॉपी करना। अगर सपोज ये फॉलोइंग आइटम्स जो मैं लिख रहा हूं, इफ दीज फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन ट्रायल बैलेंस, अगर सर ये गलती से ट्रायल बैलेंस में आ गया तो क्या करने का? अभी कौन कौन सर ट्रायल बैलेंस में आप बात कर रहे हो? चलो मैं इधर आइटम एक एक लिख देता हूं। पहला आइटम सर क्लोजिंग स्टॉक गलती से ट्रायल बैलेंस में आया तो क्या? आइटम नंबर टू सर डेप्रिसिएशन, अगर ट्रायल बैलेंस में आ गया तो किधर लिखने का? पॉइंट नंबर थ्री सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगर ट्रायल बैलेंस में आ गया तो किधर लिखने का? ठीक है, ये कहाँ लिखेगा, ये कहाँ लिखेगा, ये कहाँ लिखेगा। पॉइंट नंबर फोर सर प्रीपेड एक्सपेंस, अगर ट्रायल बैलेंस में आ गया तो कहाँ लिखने का? फिर वही सही, ठीक है छह ही आइटम ज्यादा नहीं। फिर प्री रिसीव्ड इनकम, अगर ट्रायल बैलेंस में आया तो क्या लिखने का? एंड लास्ट आइटम फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। एंड लास्ट आइटम अगर आउटस्टैंडिंग इनकम मेरे ट्रायल बैलेंस में आएगा तो सर उसको मैं कहाँ लिखेगा? ठीक है, अगर तुमको याद है और तुमने ना ये लेसन्स का वीडियो वगैरह अच्छे से देखा है तो हमने सीखा था कि ऑल ट्रायल बैलेंस आइटम हैज ओनली वन इफेक्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इट हैज ओनली वन इफेक्ट? इट हैज ओनली वन इफेक्ट का मतलब है कि सर अगर वो ट्रायल बैलेंस में आया ना तो उसे हम लोग एक ही जगह पर लिखेंगे। नाउ कौन सा जगह पर लिखेंगे सर, तो मैं तुमको समझा देता हूं। अगर क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में आया तो तुम क्लोजिंग स्टॉक को डायरेक्टली जाके लिखेगा असेट्स में, ठीक है। अगर डेप्रिसिएशन तुमको ट्रायल बैलेंस में दिखाई दिया तो तुम डेप्रिसिएशन डायरेक्टली जाके लिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, लेस नहीं करेगा तो ओनली वन इफेक्ट। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तुमको डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो तुम इसको डायरेक्टली जाके लिखेगा लायबिलिटी में। प्रीपेड एक्सपेंस तुमको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो तुम डायरेक्टली जाके लिखेगा इसको असेट में। प्री रिसीव्ड इनकम अगर तुमको ट्रायल बैलेंस में दिया है तो तुम जाके लिखेगा लायबिलिटी में। एंड आउटस्टैंडिंग इनकम अगर तुमको ट्रायल बैलेंस में दिया है तो तुम उसको जाके लिखेगा असेट साइड में। सर ये कैसे किया आपने, ठीक है मैं वो भी बताता हूँ। अगर तुमको याद रहेगा तो मैं ना जब भी तुमको एडजस्टमेंट लिखा रहा था तो मैं कुछ ये फॉर्म में लिखा रहा था, याद है तुमको? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ क्लोजिंग स्टॉक तो मैंने इधर लिखा था टीसीआर एंड मैंने लिखा था असेट। तो इसमें जो मैंने इस तरफ लिखा था ना राइट हैंड साइड में, अगर तुमने मैंने जैसा लिखा है वैसे ही कॉपी मारा है तो वो उसका इफेक्ट रहेगा। ये पहला टीसीआर तुम नहीं करेगा। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी में क्यों जाएगा सर? बिकॉज इट इज पेएबल इन फ्यूचर। प्रीपेड एक्सपेंस असेट में क्यों जाएगा सर? बिकॉज इट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर। प्री रिसीव्ड इनकम ये हमको पैसा पहला ही मिला है तो सर्विसेज आर पेएबल इन फ्यूचर। आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम इज रिसीवेबल इन फ्यूचर। तो ये अगर ट्रायल बैलेंस में आता है तो इसका देयर विल बी ओनली वन इफेक्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्री पेड एक्सपेंसेस। सर ऐसा क्यों आपने इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला? ये इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि ये प्रीपेड एक्सपेंसेस वाला आइटम है ना बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि ऐसा दिया रहेगा प्रीपेड रेंट और तुमको ढूंढना है कि वो कहाँ लिखोगे तुम, तो डायरेक्ट वन इफेक्ट। ऑल ट्रायल बैलेंस आइटम विल ऑलवेज हैव वन इफेक्ट। चलो एक और चीज सर, ये आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग अगर एग्जाम में आना तो हम लोग है ना कभी कभी ऐसा थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। एग्जाम के पहले वाली बात बोल रहा हूँ मैं, तो सर कैसे मालूम पड़ेगा कि एसेट में लिखने का कि लायबिलिटी में लिखने का? चलो मैं तुमको वो भी बता देता हूँ एक और शॉर्टकट। अभी सपोज ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में ऐसा दो रहता है, एक डेबिट रहता है दूसरा क्रेडिट रहता है, ठीक है। अगर डेबिट में आया ना डेबिट में तो उसको लिखने का एसेट में, अगर क्रेडिट में आया ना तो उसको तुम लिखेगा लायबिलिटी में। बस अभी इससे सिंपल नहीं हो सकता। अभी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड प्री रिसीव्ड अगर सपोज वर्ड है, आउटस्टैंडिंग रेंट
और अगर वो डेबिट में दिया है तो जाके उसको लिखो असेट में, अगर वो आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट में दिया है तो जाके उसको लिखो लायबिलिटी साइड में, ठीक है। खाली ये डेप्रिसिएशन एक याद रखने का, इसको तुम डायरेक्टली किधर लिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है, सिंपल सा चीज। और मैंने तुमको इसका एक शॉर्टकट भी बता दिया, ये शॉर्टकट सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है, शॉर्टकट सुप्रीम कोर्ट ने, और शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्टकट ट्रायल बैलेंस डेबिट में दिया रहेगा तो असेट में लिखो, क्रेडिट में दिया रहेगा तो लायबिलिटीज में लिखो। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। अभी इसके बाद हम लोग सीखेंगे दो नए एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर वन, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट में डाल देता हूं। एडजस्टमेंट नंबर वन है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड्स डिसऑनर्ड बिल, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड्स डिसऑनर्ड बिल। एंड पॉइंट नंबर थ्री, बिल्स पेएबल इंक्लूड्स डिसऑनर्ड बिल, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड्स डिसऑनर्ड बिल एंड बिल्स पेएबल इंक्लूड्स डिसऑनर्ड बिल। तो सर इसका दो इफेक्ट क्या है? अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर तो हमने बहुत बार किया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर के बाद हमने उसका टेस्ट भी लिखा है, ठीक है। तो अगर तुमको याद रहेगा बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल, तो डिसऑनर ऑफ बिल्स रिसीवेबल का हमारा जर्नल एंट्री आता था ड्रॉई अकाउंट डेबिट, याद है तुमको? याद है एंट्री? याद है? हाँ ना, कुछ तो रिप्लाई प्लीज। ये एंट्री याद है? हाँ, तो हम लोग लिखता था ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, मतलब हमारा कहने का मतलब ये था कि वो ड्रॉई हमारा डेटर बन जाता है। अगर तुमको याद है तो मैं यही चिल्ला रहा था, ड्रॉई हमारा डेटर बन जाता है एंड ये बिल कैंसिल हो जाता है क्योंकि वो उसका पेमेंट नहीं कर रहा है। तो बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल का फर्स्ट इफेक्ट आएगा लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, बिकॉज अभी वो बिल्स रिसीवेबल हमको कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि वो डिसऑनर हो गया। एंड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेटर में एड कर देंगे बिकॉज हमारा डेटर्स का वैल्यू बढ़ चुका है, क्योंकि जो पैसा हमको मिलने वाला था अभी नहीं मिल रहा है, मतलब वो अभी डेटर हमको देगा आगे जाके। तो बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड्स डिसऑनर्ड बिल लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल ऐड टू डेटर। सिमिलरली बिल्स पेएबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल का क्या आएगा, लेस फ्रॉम बिल्स पेएबल एंड किस में हम लोग ऐड करेंगे, ऐड टू क्रेडिटर, ठीक है। चलो वेरी गुड। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अभी ये आपने तो बता दिया, ठीक है, एक मिनट, अभी आपने हमको ये बता दिया, अगर सपोज एग्जाम में ना डेटर के ऊपर ऐसा कुछ भयंकर एडजस्टमेंट आता है, चलो मैं ना वो एडजस्टमेंट भी यहाँ तुम्हारे लिए लिखता हूँ। सपोज ऐसा कुछ एडजस्टमेंट आता है कि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है सन्ड्री डेटर, मैं बहुत जो बोल रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में हमको दे के रखा है सन्ड्री डेटर, ट्रायल बैलेंस में हमको दे के रखा है सन्ड्री डेटर 10,000 रुपया, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, ठीक है, ये प्रोफॉर्मा है ट्रायल बैलेंस का, मैं फुल नहीं बना रहा हूँ। एंड नीचे एडजस्टमेंट में हमको ये सब देके रखा है, एडजस्टमेंट में हमको क्या क्या देके रखा है, एडजस्टमेंट में हमको देके रखा है बैड डेट्स, फिर एडजस्टमेंट में हमको देके रखा है आरटीडी, मतलब ये न्यू बैड डेट्स है, एडजस्टमेंट वाला न्यू ही रहता है, ठीक है, न्यू बैड डेट्स, न्यू आरटीडी, फिर हमको देके रखा है अनरिकॉर्डेड सेल्स, फिर हमको देके रखा है ये अभी वाला एडजस्टमेंट बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड्स डिसऑनर ऑफ बिल, ठीक है। तो अभी मेरा सवाल ये उठता है कि सर अगर ये चारों एडजस्टमेंट हमको दिया है और अगर तुम लोग ने जैसे मैंने बोला है कि ये रिवाइज करके आना, तो रिवाइज करके आ रहेगा तो तुमको समझ में आता रहेगा कि सर ये सब एडजस्टमेंट का ना डेटर के साथ कुछ ना कुछ तो संबंध है ही, लाइक ये बैड डेट्स हम डेटर से माइनस करेंगे, आरटीडी हम डेटर से माइनस करेंगे, अनरिकॉर्डेड सेल्स हम डेटर में ऐड करेंगे, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल भी हम डेटर में ऐड करेंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर अगर ये चारों एडजस्टमेंट एक ही सम में आ गया तो ऑर्डर क्या रहेगा सॉल्व करने का, पहला क्या माइनस करने का, बाद में क्या माइनस करने का, इज माई क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन सर फर्स्ट क्या माइनस होएगा, बाद में क्या माइनस होएगा, मैं बताता हूँ। तो देखो तुम्हारा सॉल्विंग कुछ इस तरह होगा, सन्ड्री डेटर जो भी वैल्यू तुमको दिया रहेगा वो तुम लिखेगा, सबसे तो सबसे पहले है ना
तुम लोग ये दो एंट्री रिकॉर्ड करेगा, अनरिकॉर्डेड सेल्स एंड बिल रिसीवेबल इनटू डिसऑनर्ड बिल। अभी सर ये दोनों हम लोग डेटर में ना प्लस करते हैं, तो सर पहला कौन सा करने का, इसमें से कोई भी पहला करो चलेगा। तो यहाँ पर अनरिकॉर्डेड सेल्स एंड प्लस बिल्स रिसीवेबल इनटू डिसऑनर्ड बिल, ये तुम करेगा ठीक है, इसका वैल्यू आएगा, दोनों ऐड करेगा तो यहाँ पर तुमको कुछ तो वैल्यू आएगा। फिर इसमें से तुम माइनस करेगा न्यू बैड डेट्स, यहाँ से न्यू बैड डेट्स माइनस होगा, फिर तुमको नीचे कुछ तो एक वैल्यू आएगा, फिर इसमें से माइनस होगा तुम्हारा न्यू आरटीडी। एंड जनरली परसेंटेज दिया रहता है, तो ये वाले परसेंटेज में तुम उसको कैलकुलेट करेगा एंड जो भी वैल्यू आएगा उसको तुम आउटर कॉलम में लिख देगा। तो अगर ये चारों एडजस्टमेंट तुम्हारा एक ही सम में आ जाता है, जो कि वेरी रेयर पॉसिबिलिटी, तो ये अनरिकॉर्डेड सेल्स बिल रिसीवेबल इनटू डिसऑनर्ड बिल तुम पहला करेगा, ये दोनों में से कोई भी पहला करो, दैट इज योर चॉइस। तुमको ये पहला करना है, ये पहला करो, नीचे वाला पहला करना है, नीचे वाला, क्योंकि दोनों प्लस ही हो रहा ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम पहला ये प्लस करो कि बाद में ये प्लस करो, लेकिन ये बाद में आएगा ठीक है। ये एडजस्टमेंट्स होने के बाद तुम ये करेगा। तो ऑर्डर क्या रहेगा सर, इसको हम करते हैं अगर फर्स्ट, तो ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड एंड ये हो गया फोर्थ। मतलब सर आप कहना चाह रहे हो कि आरटीडी लास्ट में करने का, यस आरटीडी लास्ट में करने का ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स है जिसमें ना स्टूडेंट्स लोग हमेशा तकलीफ में आते हैं, उनको ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट लगने लगता है कि ऐसा हो तो क्या करने का। तो मैं सोचा कि पहला एक 20-30 मिनट्स तुमको ये समझा दूं कि ये एडजस्टमेंट्स आए तो आपको कैसे करना है ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ठीक है, इसको तुम एग्जांपल के थ्रू कंसिडर कर सकते हो। अगर ये चारों एडजस्टमेंट रहेगा तो पहला क्या करने का, तो ये नीचे वाला जो दो है ना, ये पहला प्लस करेगा तो उसके बाद ये माइनस करेगा ठीक है। चलो अभी एक काम करो, ये जो एडजस्टमेंट्स मैंने लिख के रखा है ना, जरा इसको अपने अपने बुक में फटाफट कॉपी कर लो ठीक है। डालो इम्पोर्टेंट पॉइंट, टेक अ फ्रेश पेज एंड ये लिख लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है। ये आता ही है एग्जाम में, आज हम जो सम्स करेंगे ना उसमें भी आएगा, लिख लो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। ये जो टाइप का क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा डिफरेंट रहता है। डिफरेंट क्यों रहता है, बिकॉज यहाँ पर हेडिंग दिया है, देखो ये कौन सा सम है, दीज आर द सम्स दैट आर बेस्ड ऑन करंट अकाउंट। अभी तुम बोले सर व्हाट डू यू मीन बाय सम्स बेस्ड ऑन करंट अकाउंट, सम बेस्ड ऑन करंट अकाउंट का मतलब है क्वेश्चन में ना देर विल बी समथिंग कॉल्ड एज करंट अकाउंट। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, अगर तुम लोग मेरा माउस का कर्सर को देख रहे हो तो ये देखो यहाँ पर देर इज समथिंग कॉल्ड एज करंट अकाउंट, यहाँ पर दे के रखा है। अभी इसका करने का क्या, कैसे होगा कैलकुलेशन, ये सब हम लोग है ना बाद में देखते हैं। फिलहाल के लिए इतना समझो, अभी तक पिछला लेक्चर अगर तुमने देखा है तो अभी तक हमने क्या देखा था कि सर कैपिटल रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट आता था हम लोग क्या करता था, या तो कैपिटल में प्लस करता था या तो कैपिटल से माइनस करता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमको बोलूं ड्रॉइंग्स, तो तुम ड्रॉइंग्स कहाँ से माइनस करता था, सर कैपिटल से हम लोग माइनस करते थे। लेकिन जब भी करंट अकाउंट दिया रहेगा ना, तो तुम लोग ड्रॉइंग कहाँ से माइनस करेगा, मान में क्या, करंट अकाउंट से माइनस करेगा। मतलब जब भी क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया रहेगा तो सर सब कैपिटल का रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है ना, वो पूरा का पूरा करंट अकाउंट में जाएगा। आई रिपीट, बस ये एक ही स्टेटमेंट पे सम बेस्ड है कि कैपिटल रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट था वो पूरा का पूरा उसका प्लस माइनस हम लोग करंट अकाउंट में करेंगे, कैपिटल अकाउंट में नहीं। कैपिटल अकाउंट को हम लोग हाथ भी नहीं लगाएंगे, कैपिटल अकाउंट वैसे का वैसा लिखने का। मतलब यहाँ पर अगर ये लिखा ना राजा राम 30,000 सीताराम 20,000, तो वैसे का वैसा हम लोग उठा के बैलेंस शीट में लिखेंगे, इसमें कोई प्लस नहीं होगा कोई माइनस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल दो तीन एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ड्रॉइंग्स अगर करंट अकाउंट वाला सम है तो हम लोग करंट अकाउंट से माइनस करेंगे, अगर करंट अकाउंट नहीं दिया हुआ है तो हम कैपिटल से माइनस करेंगे ठीक है। ये सब में करंट अकाउंट है। अगर मैं तुमको बोलता हूँ नेट प्रॉफिट, अभी तक हम लोग किधर ऐड करते थे, कैपिटल में ऐड करते थे, तो अगर करंट अकाउंट दिया रहेगा तो हम लोग करंट अकाउंट में ऐड करेंगे। नेट लॉस अभी तक हम लोग क्या करते थे, कैपिटल से माइनस करते थे, करंट अकाउंट का सम रहेगा तो करंट अकाउंट से माइनस कर लेगा, बस दैट्स इट, दिस इज द ओनली डिफरेंस ठीक है। तो करंट अकाउंट के सम में क्या होगा कि सर जो कैपिटल का रिलेटेड जितना भी एडजस्टमेंट है ना, वो पूरा का पूरा जो भी प्लस माइनस करना है वो हम करंट अकाउंट के अंदर करेंगे, एंड कैपिटल अकाउंट को हम टच नहीं करेंगे, कैपिटल अकाउंट वैसे का वैसे रहेगा। ये मेथड को बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड मतलब जहां पर हमारा कैपिटल विल रिमेन फिक्स्ड, देयर वोंट बी एनी चेंजेस इन अवर कैपिटल अकाउंट ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, देखते जा रहे सब में है क्या।
तो मैं चालू कर रहा हूँ, सबका ध्यान स्क्रीन पे। तो राजा राम एंड सीताराम वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:5 एंड 2:5 रिस्पेक्टिवली। 3:5 एंड 2:5 का मतलब होता है 3:2, ठीक है, इसका मतलब हो गया 3:2, 3/5, 2/5 का मतलब है 3:2। फॉलोइंग बैलेंसेज वर गिवन एज ऑन 31 मार्च 2006, ठीक है। तो पहला हमको दिया है कैपिटल, तो कैपिटल हम लिखेंगे लायबिलिटी में। फिर हमको दिया है करंट अकाउंट, अभी ये करंट अकाउंट का सम है ना, हम लोग क्या करेंगे, एक अलग से करंट अकाउंट बनाएंगे। तो ये जो करंट अकाउंट का जो ये बैलेंसेस है, ये हम कहाँ लिखेंगे, ये हम लिखेंगे करंट अकाउंट में। अब ये कैसे करना है, क्या करना है, वो सब मैं तुमको सिखाऊंगा, आज का लेक्चर खत्म होते होते तुमको समझ में आ जाएगा। फिर हमको दिया है स्टॉक, ये जो स्टॉक है दिस इज माय ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट मेरे को दिया हुआ है परचेसेस एंड सेल्स, तो जो मेरा परचेसेस है वो डेबिट वाला वैल्यू है एंड जो मेरा सेल्स है वो ये क्रेडिट वाला वैल्यू है। तो ये कहाँ कहाँ जाएगा, ये परचेस है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में जाएगा एंड जो सेल्स है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। सर एक मिनट रुक, ठीक है, हाँ अच्छा ये क्रेडिट है। आगे टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, टैक्स एंड इंश्योरेंस जब यहाँ पर दिया रहेगा, ठीक है, तो ये जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। फिर हमारे पास है डेटर्स एंड क्रेडिटर, तो ये डेबिट वाला जो फिगर है ये है मेरा डेटर, तो ये जाएगा मेरा असेट्स में एंड ये जो क्रेडिट वाला फिगर है ये जाएगा मेरा लायबिलिटी में। रेंट कुछ नहीं बोला है, तो ये है मेरा ऑफिस का रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अब ये लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब इसमें एक बिल्स रिसीवेबल रहेगा एंड एक बिल्स पेबल रहेगा। तुम लोग बताओ, चलो क्या लगता है तुमको, इसमें बिल्स रिसीवेबल कौन सा है, 3,000 है कि 6,100 है? बिल्स रिसीवेबल कौन सा है, बिल्स पेबल कौन सा है? बिल्स रिसीवेबल 6,100 है। वेरी गुड, बिल्स रिसीवेबल सर 6,100 है एंड बिल्स पेबल मेरा 3,000 है, बिकॉज बिल्स रिसीवेबल इज माई असेट। नेक्स्ट मोटर लॉरी असेट, फर्नीचर असेट, जनरल एक्सपेंस, तो जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेसेस। ट्रेड एक्सपेंस, याद है तुमको ट्रेड एक्सपेंस में वो गोम्स था, अगर मैं तुमको बोला था ओनली ट्रेड एक्सपेंस तो ट्रेड एक्सपेंस लिखेगा तुम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में, बट अगर तुमको ट्रेड एक्सपेंस के साथ साथ कभी भी गोम्स में से एक भी दिखेगा, देखो ना इधर दिख रहा है मेरे को जनरल एक्सपेंस है, तो ट्रेड एक्सपेंस जाएगा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। नेक्स्ट वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। लास्ट में है बैंक, बैंक आएगा मेरा असेट्स में, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट। तो आगे बढ़ते हैं, आगे है मेरा एडजस्टमेंट। मैं क्या बोलता हूँ, ये एडजस्टमेंट है ना, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक बार है ना गो थ्रू करो एंड तुम लोग अपने दिमाग में सोचो कि ये इधर आना चाहिए, ये इधर आना चाहिए। मैं तुमको 5 मिनट्स का टाइम देता हूँ, ठीक है, सोचो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर तुम्हारे पास ये नोट्स हाथ में नहीं है तो ये स्क्रीन पे देख के कर लो। चलो कर लेते हैं डिस्कस, देखते हैं क्या करना है। फर्स्ट वन, ऑन 1 मार्च 2016 स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 25,000, दिस इज माई क्लोजिंग स्टॉक, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट एंड असेट। सेकेंड वन, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ गुड्स टेकन ड्यूरिंग द ईयर बाय पार्टनर्स फॉर देयर ओन यूज, राजा राम एंड सीताराम। तो गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर सर, गुड्स गोज आउट ट्रेडिंग क्रेडिट। एंड हमने आज तक क्या सीखा था सर, ड्रॉइंग्स लेस फ्रॉम कैपिटल। लेकिन ठीक है, करंट अकाउंट का समय, करंट अकाउंट का समय, तो सर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे लेस फ्रॉम करंट अकाउंट, लेस फ्रॉम करंट अकाउंट, कैपिटल नहीं आएगा। अगर करंट अकाउंट नहीं दिया होता तो हम कैपिटल से लेस करते। आगे लास्ट लेक्चर का समा, अगर तुमने वो नहीं किया है ना तो उसको अच्छे से रिवाइज करना पहले। तो देखो, ये राजा राम इज एंटाइटल टू गेट अ सैलरी 1500 पर ईयर एंड सीताराम इज एंटाइटल टू गेट अ कमीशन एट 5% ऑन सेल्स। तो ये सैलरी कमीशन ब्रोकरेज टू पार्टनर, पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एंड कल के लेक्चर में हमने सीखा था किसमें ऐड करने का, जाके कैपिटल में ऐड करने का, लेकिन ये सब में करंट अकाउंट दिया हुआ है तो हम लोग जाके ऐड करेंगे करंट अकाउंट में। जब भी करंट अकाउंट दिया रहेगा ना तो समझ जाना कि कैपिटल का जो भी हक है वो सब करंट अकाउंट ने छीन लिया, मतलब सब करंट अकाउंट में चला जाएगा।
नेक्स्ट अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग क्या करता था सर, एड टू कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बराबर ना. लेकिन यहां पर करंट अकाउंट है तो हम लोग क्या करेंगे सर, एड टू करंट अकाउंट एंड वी विल राइट इट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. अरे क्लियर है क्या, एक थम्स अप डालो, थम्स अप क्लियर है तो एक थम्स अप प्लीज. अरे कमीशन ये दोनों का सेम है आदित्य, ये दोनों का है ना, कमीशन एंड सैलरी का दोनों का इफेक्ट सेम है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड ऐड टू करंट अकाउंट. फुल ये फुल सेंटेंस का सैलरी का भी इफेक्ट सेम है, कमीशन का भी इफेक्ट सेम है. नेक्स्ट प्रोवाइड 5% फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आफ्टर राइटिंग ऑफ फर्दर बैड डेट्स. फर्दर बैड डेट्स मतलब फर्दर बैड न्यू बैड डेट्स. ये तो हो गया सर न्यू बैड डेट्स एंड ये जो प्रोवाइड बोल रहा है ये आरडीडी. तो न्यू बैड डेट्स एंड आरडीडी दिया हुआ है तो हम लोग सर इसको पहला सन्ड्री डेटर से है ना माइनस कर देंगे एंड बाद में हम लोग लिखेंगे हमारा फॉर्मूला में. ठीक है तो पहला क्या माइनस करेंगे हम लोग, पहला क्या माइनस करेंगे, न्यू बैड डेट्स. न्यू बैड डेट्स, चलो वेरी गुड, न्यू बैड डेट्स पहला माइनस होगा. नेक्स्ट सिक्स्थ वन, अभी ये वाला क्वेश्चन है ना हमने ऐसा टाइप का बहुत बार किया है, मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स आंसर दे. ठीक है चैट बॉक्स में डालो मेरे को आंसर. परचेस ऑफ फर्नीचर वर्थ ₹5,000 रॉन्गली इंक्लूडेड इन परचेस, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए. ठीक है परचेस ऑफ फर्नीचर वर्थ ₹5,000 रॉन्गली इंक्लूडेड इन परचेसेस. क्या करने का इसका, परचेस ऑफ फर्नीचर रॉन्गली इंक्लूडेड इन परचेसेस, आने दो सबका आंसर. लेस फ्रॉम परचेज एड टू फर्नीचर, ब्रिलियंट. तो सब लोग ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है कि सर परचेसेस से लेस करो एंड फर्नीचर में जाके ऐड करो. ठीक है तो फर्नीचर में एंड परचेसेस पे एक एक टिक, तो मैं यहां पर है ना टिक मार देता हूं. तो फर्नीचर पे एक टिक एंड परचेसेस पे ऑलरेडी मैंने कर दिया. लास्ट है, लास्ट पॉइंट, अनएक्सपायर्ड रेंट. अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है, वापिस बोल रहा हूं पहले भी आ चुका है, अनएक्सपायर्ड का मतलब है प्रीपेड. तो प्रीपेड रेंट अमाउंटेड टू ₹200, तो हमारे पास एक ही रेंट है ये वाला, तो ये रेंट है प्रीपेड. तो प्रीपेड रेंट का दो इफेक्ट है सर, लेस फ्रॉम रेंट एंड वी विल राइट इट ऑन दी असेट साइड. तो यहां पर मेरा दो इफेक्ट आएगा, लेस फ्रॉम रेंट एंड असेट. ठीक है तो ये तो हो गया हमारा सम, सिंपल सम है, मतलब नथिंग डिफिकल्ट. लेकिन अभी सवाल ये उठता है सर, वो जो करंट अकाउंट है ना सर, उसका कैसे करना है. तो चलो मैं तुमको बता दूं कि तुमको सॉल्यूशन में क्या क्या बनाना है. तो आ जाते हैं सॉल्यूशन पे. तो सॉल्यूशन में पहला बनेगा तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट. जरा सब लोग है ना अपना ध्यान रखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ. ठीक है तो सबसे पहले सॉल्यूशन में बनेगा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद बनेगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसके बाद बनेगा मेरा बैलेंस शीट, सेम जो अभी तक तुम करता था. लेकिन द ओनली डिफरेंस विल बी तुम एक एडिशनल अकाउंट बनाएगा एंड जिसका नाम रहेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, ऐसा अलग से तुम बनाएगा. ठीक है और ये पार्टनर्स करंट अकाउंट देखो दिख कैसे रहा है, डेबिट ये पर्टिकुलर राजा राम सीताराम, पर्टिकुलर राजा राम सीताराम. अभी इसमें सम कैसे करने का क्या करने का वो सब अपन बाद में देखते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हारा पार्टनर्स करंट अकाउंट ऐसे दिखाई देगा. तो मैं क्या करता हूँ, पहला तीन है ना स्क्रीन पे नहीं रखता, वो तुमको आता है, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट में स्क्रीन पे रखता हूँ. तब तक तुम लोग सब लोग फटाफट लाइन मार लो. ठीक है लाइन मार लो, फिर मिलते हैं एंड साथ में सम सॉल्व करते हैं. चलो तो आई होप लाइन मार के हो चुका है सबका. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट. ठीक है आराम से करते हैं, मैं पहले करूंगा फिर मैं तुमको वर्क दूंगा तो तुम उसके बाद करना. तो ऑन 31st March 2006 द स्टॉक वॉज वैल्यूड एट ₹25,000. ठीक है तो ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक वही जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है. बाय क्लोजिंग स्टॉक आउटर कॉलम 35,000, नहीं 25,000. ठीक है 25,000 एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 25,000. तो 25,000 इधर 25,000 इधर.
डन हो गया तुम लोग का सबका लिख के हुआ क्या? गुड, चलो अभी बढ़ते आगे। अभी है ना थोड़ा रुको, मैं तुमको ना कुछ चीज सिखाता। अभी ये नेक्स्ट देखो क्या है, स्टॉक ऑफ गुड्स टेकन ड्यूरिंग द ईयर बाय पार्टनर फॉर देयर ओन यूज राजाराम सीताराम 3000 1000, मतलब ये विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, तो टाइम प्लीज, मैं जो बोल रहा हूँ पहला ध्यान से सुनो सर। विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज तो है ना सर, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखेगा, ठीक है, तो यहाँ पर बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, एंड नेक्स्ट लाइन में मैं तो दोनों का नाम लिखेगा, राजाराम एंड सीताराम। तो कौन कितना लेके जा रहा है, राजाराम कितना लेके जा रहा है, राजाराम लेके जा रहा है 3000, सीताराम लेके जा रहा है 1000। तो राजाराम 3000, सीताराम 1000, तो बाहर के कॉलम में मैं लिख दूंगा 4000। ठीक है, रुको आ जा रहा, रुको ध्यान दो। तो राजाराम सीताराम 3000 1000, बाहर के कॉलम में 4000, तो गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अगर ये नॉर्मल सम होता विदाउट करेंट अकाउंट तो हम क्या करते, हम लोग सर कैपिटल में जाके इसको क्या करते, बोलो ना, ड्राइंग है, कैपिटल में जाके क्या करते, लेस फ्रॉम कैपिटल। लेकिन सर सिंस कैपिटल अकाउंट हम नहीं बना रहे, वी आर प्रिपेयरिंग करंट अकाउंट, तो वी हैव टू रिड्यूस इट फ्रॉम करंट अकाउंट। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर रिड्यूस इट फ्रॉम करंट अकाउंट मतलब सर वी हैव अ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, तो रिड्यूस करने के लिए कौन से साइड में लिखेगा? तो मैं तुमको समझा देता हूँ, अगर तुम डेबिट साइड में, अगर तुमको कुछ चीज रिड्यूस करना है तो तुमको लिखना है उसको डेबिट में, एंड अगर तुमको कुछ ऐड करना है ना तो तुमको लिखना है उसको क्रेडिट साइड में। मतलब ऐड करने वाला सारा आइटम तुम क्रेडिट में लिखेगा एंड लेस करने वाला सारा आइटम तुम डेबिट में लिखेगा। तो अभी मुझे बताओ, अगर मैं ड्रॉइंग लेस करना चाहता हूँ तो मैं कहाँ लिखूँ, डेबिट में लिखूँ कि क्रेडिट में लिखूँ? डेबिट में लिख दूंगा, समझ में? तो ये देखो मैं इसको थोड़ा सा कलर रखता हूँ, रेड मतलब ऐसा माइनस साइन, एंड ऐड को कौन सा कलर रखेंगे, ब्लू, नहीं दिखी नहीं रहा, लाइट ब्लू। तो ये ऐड, तो ऐड करना है तो सर क्रेडिट में लिखो एंड लेस करना है तो डेबिट में लिखो। अभी सर मुझे लेस करना है वो ड्रॉइंग्स, तो मैं क्या करेगा, ऊपर से थोड़ा लाइन छोड़ेगा, नीचे लिखेगा टू ड्रॉइंग्स, राजाराम के कॉलम में राजाराम का फिगर, राजाराम का फिगर क्या है 3000, एंड सीताराम के कॉलम में सीताराम का फिगर, एंड ये हो गया मेरा करंट अकाउंट का एडजस्टमेंट। लेस करना है तो सर डेबिट में, एड करना है तो क्रेडिट में, दैट्स इट। इतना तुमको समझ में आ गया तो हो गया ये, और कुछ नहीं इसमें, इट इज वेरी सिंपल। चलो लिख लो सब लोग, लिख लो। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा ना, तो हम लोग ऐसा अलग से एक करंट अकाउंट बना देंगे। तो लेस करने वाला तुम्हारे बुक में भी है ना, ऐसा ऊपर ये लेस एंड ऐड लिख के रखना, ये एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग कि सर ये हमारे सब तुम्हारे समझने के लिए, बाकी एग्जाम में इट इज नॉट रिक्वायर्ड। लेस रहेगा तो डेबिट में डालो, ऐड रहेगा तो क्रेडिट में लिखो। पार्टनर्स करंट अकाउंट, और कभी भूल गया ना तुम, कभी सपोज सर मैं भूल गया क्या किधर लेस था किधर ऐड था, तो है ना नंबर लाइन याद रखना, नंबर लाइन अगर मैं बनाता हूँ तो नंबर लाइन कैसे बनता है, ठीक है, ये सिर्फ यही अकाउंट के लिए, बाकी किधर भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। देखो ये नंबर लाइन रहेगा तो ये जीरो है ना, और यहाँ पर क्या आता है सब माइनस वाला चीज आता ना, एंड यहाँ पर आता है सब प्लस वाला चीज, तो यहाँ पर होगा प्लस एंड यहाँ पर होगा माइनस, ये जस्ट ऐसे याद रखने के लिए, नंबर लाइन से इसका कोई संबंध नहीं है, जस्ट एक ऐसा छोटा सा टिप, एग्जाम में कभी भूल गया तुम तो याद रखना कि सर ने बताया था पार्टनर्स करंट अकाउंट मतलब नंबर लाइन जैसा तुम कर सकता, याद रख सकता। चलो हो गया ड्राइंग का, लिख के जो भी लिख रहा है फटाफट लिखो। आई होप इतना टाइम तक तो हो ही गया रहेगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, तो ये मेरा हो गया गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो सर अगर हम करंट अकाउंट बनाते हैं तो करंट अकाउंट में लेस होगा, लेस मतलब डेबिट में जाके लिखना है आपको। नेक्स्ट एडजस्टमेंट थोड़ा ध्यान दो, राजाराम इज एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ 1500 पर ईयर,
देखो लास्ट समझो था ना, उसमें पर मंथ था, यहाँ पर बोल रहा है 1500 पर ईयर, मतलब ये उसका टोटल ईयरली सैलरी है 1500 रुपीज। तो सैलरी टू राजाराम, तो सैलरी टू राजाराम नीचे इफेक्ट दिया हुआ है सर, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। एंड अगर नॉर्मल सम होता तो हम कैपिटल में जाके ऐड करते, लेकिन ये करंट अकाउंट वाला सम है तो हम इसमें करंट अकाउंट में जाके ऐड करेंगे। तो रुको मैं पहले लिखता हूँ, फिर तुम लोग लिखना। तो राजाराम इज एंटाइटल टू गेट अ सैलरी ऑफ 1500 पर मंथ। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाऊंगा, ऊपर से एक लाइन छोड़ दूंगा, इधर लिखूंगा टू राजाराम सैलरी एंड वैल्यू इज 1500 रुपीज। ठीक है, तो ये राजाराम का मेरा सैलरी हो गया। एक सेकेंड, तो ये मेरा राजाराम का सैलरी में यहाँ लिख दिया। सेकेंड इफेक्ट है सर, कैपिटल में ऐड करो, बट वी आर नॉट प्रिपेयरिंग कैपिटल, वी आर प्रिपेयरिंग करंट अकाउंट। तो ऐड करना है तो किधर लिखने का बताओ, तुम लोग बताओ, देखो सामने ही है, ऐड करने है किधर लिखने का? तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय सैलरी, और जिसका वैल्यू है ना उसी के कॉलम में लिखने का। तो राजाराम का सैलरी है 1500, तो राजाराम के कॉलम में 1500। सीताराम को कोई सैलरी नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उसका कॉलम या तो ब्लैंक छोड़ो या तो डाल दो डैश। मैं छोड़ देता हूँ ब्लैंक, ठीक है, चलो कर लो। तो ये राजाराम का सैलरी यहां पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, एंड दूसरा करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सैलरीज। चलो डन, आगे अभी ये आगे भी बोल रहे, देखो सीताराम इज एंटाइटल टू गेट अ कमीशन एट 5% ऑन सेल। तो ये सीताराम का ना कमीशन भी मिल रहा है, सीताराम को कमीशन भी है, एंड कमीशन किस पे कैलकुलेट किया है लोग ने, सेल्स पे कैलकुलेट किया है 5% ऑन सेल। तो इजी है, बहुत इजी है, ठीक है, नथिंग डिफिकल्ट। तो अगर मैं कमीशन का कैलकुलेशन करता हूँ, तो कमीशन अगर मैं बोलता हूँ कि कमीशन कितना रहेगा, तो कमीशन इज 5% ऑफ सेल्स ना, तो 5% ऑन सेल्स, 5% ऑन सेल्स का मतलब है 5% मल्टीप्लाई है सेल का वैल्यू। सेल का वैल्यू कितना है जरा ऊपर ढूंढते हैं, सेल 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 80,000, तो सेल का वैल्यू है 80,000, तो 5% ऑफ 80,000, तो ये 100-100 कैंसल, 100-100 कैंसल, तो कितना आता है 400 रुपये। क्या बोल रहा है? 4,000 आता है। हाँ 4,000, रुक जा, हाँ बराबर सर, आपने उधर 80,000 कम लिखा है, बराबर 80,000 है, वही मैं सोच रहा है, 8,000 का 5% 4,000 का इतना है, कोई बात नहीं, चलो। तो ये मेरा कमीशन है 4,000 सीताराम। अभी देखो सीताराम को हम लोग है ना कमीशन दे रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दो, तो इफेक्ट सेम रहेगा जैसा वो राजाराम का सैलरी था। तो इधर में लिखेगा टू सीताराम कमीशन, ध्यान दो आप प्लीज, बाद में लिखना। तो सीताराम कमीशन 4,000, एंड सेकेंड इफेक्ट, नॉर्मल सम होता तो कैपिटल में ऐड करते, लेकिन इधर कैपिटल नहीं है सर, तो हम करंट अकाउंट में ऐड करेंगे। तो इधर लिखेंगे बाय कमीशन, एंड सीताराम के कॉलम में 4,000, बिकॉज ये सीताराम का कमीशन है, ठीक है, इजी, वेरी सिंपल, ठीक है, राइट इट डाउन। और एक कमीशन का कैलकुलेशन ना तुम्हारे पेज में, सम में, बुक में, किधर बुक में लिखता रहेगा, तो वर्किंग नोट करके फर्स्ट नोट करके डाल देना, ठीक है। 5% ऑफ सेल मतलब 5% ऑफ 80,000, तो दैट कम्स टू 4,000 रुपीज। तो कमीशन इज 5% ऑफ 80,000। कमीशन का दो इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बिकॉज क्रेडिट साइड में हम वो लिखते हैं जो हम प्लस करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, देखो, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम, ठीक है। तो मैं जरा ना इसका कैलकुलेशन कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान दो सब लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6% पर एनम, तो वर्किंग नोट अगर तुमने वो पहला लिखा है तो ये दूसरा रहेगा, लेकिन ये मेरा बुक में मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ। तुमने कमीशन लिखा है तो ये पॉइंट नंबर टू, तो मैं इधर लिख रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ध्यान दो, ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नाम है राजाराम,
दूसरे का नाम है सीताराम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, तो मेरे को बताओ राजा राम का कैपिटल है कितना? सर राजा राम का कैपिटल है 30,000 एंड सीताराम का कैपिटल है 20,000। ठीक है, तो राजा राम का कैपिटल है 30,000, सीताराम का कैपिटल है 20,000। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6% पर एनम। तो इफ इट इज 6% पर एनम तो मल्टीप्लाई बाय 6/100, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 6/100 एंड कुछ नहीं बोला है तो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर फुल ईयर। तो ये 12 कैंसिल, 1 2 1 2 यहां पर आएगा ऊपर 1800, 1 2 1 2 यहां पर आएगा 1200, 12 कैंसिल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये है। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फर्स्ट इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड दूसरा हम लोग करते थे क्या करते थे बताओ? ऐड टू कैपिटल। लेकिन यहां पर हम लोग क्या करेंगे? यहां पर हम करेंगे ऐड टू करेंट अकाउंट, ऐड टू करेंट, क्योंकि कैपिटल नहीं है, क्योंकि कैपिटल एंड करंट दोनों रहेगा तो हम लोग जो भी प्लस माइनस है वो करंट अकाउंट में करते हैं। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे मिला 1800 एंड 1200। तो रुको पहले मैं करूंगा। तो ये 1800 एंड 1200 का मैं क्या करेगा? सबसे पहले तो मैं इसका इफेक्ट दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो यहां पर मैं लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेक्स्ट लाइन में राजा राम, उसका नेक्स्ट लाइन में सीताराम। तो राजा राम का फिगर 1800, सीताराम का फिगर 1200, बार के कॉलम में 3000। ये हो गया मेरा फर्स्ट इफेक्ट सर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, बिकॉज इट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। सेकेंड इफेक्ट किधर देगा तुम? सेकेंड इफेक्ट देगा तुम कैपिटल में, लेकिन सर ये करंट अकाउंट वाला समय, तो चलो करंट अकाउंट में हमको करना है एड। तो कहा लिखू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करना है तो किधर लिखने का? क्रेडिट में लिखू कि डेबिट में लिखू? बोलो अरे देखो ना बराबर से, ऐड करना है तो किधर लिखने का? क्रेडिट। तो यहां पर मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राजा राम में 1800, सीताराम में 1200, खत्म। ठीक है कर लो, चलो तुम लोग भी वर्किंग नोट बाद में कॉपी कर लेना, फिलहाल ये लिख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राजा राम सीताराम एंड बाद में करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में। चलो लेट्स स्टार्ट, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट के साथ। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोवाइड 5% फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आफ्टर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स ऑफ रुपीज 500। तो लेते हैं सन्ड्री डेटर, अपना डेटर है 12,000 रुपया का। ठीक है तो ये तुमको भी आता रहेगा, मेरे को भी आता है। ठीक है तो लिख डालते हैं हम लोग, विल नॉट वेट। तो इधर ऊपर जिधर भी जगह मिलता है वहां पर हम लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स। अगर डेटर है तो तुम डेटर भी लिख सकते हैं। क्या वैल्यू था? 12,000 रुपीज। तो सन्ड्री डेटर 12,000 रुपया, उसमें से पहला लेस होएगा न्यू बैड डेट्स बोला है लोग ने 500। फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा 11,500। फिर उसके बाद लेस होगा न्यू आरडीडी। क्या रेट दिया है? एट द रेट ऑफ 5%। तो 5% ऑफ 11,500। क्या ये आंसर आ रहा है सबको? ठीक है 5% ऑफ 11,500 575 रुपीज। ये हो गया मेरा फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट फॉर्मूला सर, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हम लोग लिख देंगे हमारा बैड डेट्स का फॉर्मूला। तो यहां पर आएगा टू बैड डेट्स एड न्यू बैड डेट्स
एड न्यू आरडीडी, फिर एक लाइन छोड़ के लेस ओल्ड आरडीडी, तो इसमें न्यू बैड डेट्स न्यू आरडीडी हमने कैलकुलेट किया है, तो लिख देते हैं न्यू न्यू बैड डेट्स न्यू आरडीडी, न्यू बैड डेट्स 500, न्यू आरडीडी 575, तो न्यू बैड डेट्स 500, न्यू आरडीडी 575, डन, लिख लिया मैंने, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मूला में भी मैंने डाल दिया, तुम लोग भी कर दो, ये अभी बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, इट इज नथिंग न्यू। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, परचेस फर्नीचर वर्थ रुपीज 5000 रॉन्गली इंक्लूडेड इन परचेसेस, तो चलो ये परचेसेस से पहला माइनस कर डालते हैं, तो परचेसेस यहां पर है तो उसमें लेस फर्नीचर परचेस, लेस फर्नीचर परचेस 5000, बाद में परचेसेस का वैल्यू जब हम पूरा ट्रायल बैलेंस लिखेंगे उस टाइम पे आ जाएगा, तो फर्नीचर परचेस माइनस किया हमने एंड फर्नीचर 10000 इधर है तो असेट में जाएंगे हम लोग, लिख देंगे फर्नीचर 10000, नेक्स्ट लाइन में एड परचेस ड्यूरिंग द ईयर, या एड परचेस 5000 एंड आउटर कॉलम में हमारा वैल्यू आएगा 15000, नो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन दिया नहीं है तो सिंपल है, यहां से हमने माइनस किया एंड बैलेंस शीट में जाके हमने लिख दिया। ओके क्लियर, चलो लास्ट एडजस्टमेंट, अनएक्सपायर्ड रेंट, अनएक्सपायर्ड रेंट का मतलब होता है प्रीपेड रेंट, तो रेंट का यहाँ वैल्यू दिया हुआ है 2000, उसमें प्रीपेड इज 200, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं वहां लिख देते हैं टू रेंट 2000 रुपया, नेक्स्ट लाइन में लिखो लेस प्रीपेड 200, तो आउटर कॉलम में 1800, ये हो गया प्रीपेड रेंट का फर्स्ट इफेक्ट, फिर हम लिखेंगे प्रीपेड रेंट का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट में, प्रीपेड रेंट 200 रुपया, डन, सिंपल एडजस्टमेंट। अभी ये तो क्या बहुत बार आ चुका है, तो जो बहुत बार आया हुआ है उसको क्या हर बार रिपीट करने का, तो आई एम डन विथ माय एडजस्टमेंट्स, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग, फटाफट कर डालते हैं, लेकिन रुको रुको फटाफट नहीं, पहले मैं करता हूं उसके बाद तुम करना, क्योंकि इसमें कुछ नए चीजें हैं स्टार्टिंग के, तो पहला दिया हुआ है हमको कैपिटल अकाउंट राजा राम सीताराम, तो सर इसको क्या करना है, कैपिटल किधर लिखते हैं, हम लायबिलिटी में लिखते हैं, ध्यान दो, ध्यान सबका ध्यान प्लीज, तो यहाँ पर सर ये कैपिटल के नीचे, एक मिनट, ये कैपिटल के नीचे हम लिखेंगे राजा राम, फिर उसके बाद हम लिखेंगे सीताराम, एंड दोनों का फिगर पहले लिखूंगा मैं इनर कॉलम में, क्या फिगर है 30 एंड 20, तो ये 30000, ये 20000 एंड आउटर कॉलम में 50000, मतलब देखो इसमें मैं कुछ भी प्लस माइनस नहीं करूंगा, इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि जब भी करंट अकाउंट दिया रहता है सारा प्लस माइनस तुम क्या करोगे, यू विल ऑलवेज डू ऑल एडिशन एंड डिडक्शन इन योर करंट अकाउंट ओनली, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मैं ऐसा लिख के छोड़ देगा, खत्म, पार्टनर्स कैपिटल का दूसरा कोई काम नहीं है, ठीक है, तुम लोग भी लिख डालो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसा लिख दो 30 एंड 20, इसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, नो एडिशन नो सब्ट्रैक्शन, सो आई एम डन विथ माई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ नेक्स्ट आइटम, अभी देखो प्लीज प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट, मैं इसको और है ना जूम इन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, देखो करंट अकाउंट दिया हुआ है, सर हमने तो करंट अकाउंट बनाया है,
ठीक है चलो, हमारा बनाया हुआ करंट अकाउंट में आता है, ये हमारा बनाया हुआ करंट अकाउंट है सर। अभी ये करंट अकाउंट का ना ये ओपनिंग बैलेंसेज है, ट्रायल बैलेंस में ना ओपनिंग बैलेंसेज दिया रहता है। तो सर राजा राम का बैलेंस सर क्रेडिट साइड में बराबर ना, तो राजा राम का अगर बैलेंस क्रेडिट साइड में है ना, तो हम लोग यहाँ क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, एंड राजा राम के कॉलम में क्या वैल्यू है 5000 रुपीज है, तो राजा राम के कॉलम में 5000। अभी ये जो सीताराम है, सीताराम का बैलेंस कौन से साइड में, डेबिट में है, तो सीताराम का बैलेंस डेबिट में है, तो वो हम डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, सीताराम का फिगर 2000 रुपया, खत्म। इतना ही करना है तुमको। अभी ये जरूरी नहीं है कैसा अलग अलग ही आए, कभी कभी दोनों साथ में एक ही साइड भी आ सकता है, दोनों डेबिट में आ सकता है, दोनों क्रेडिट में आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक डेबिट में आ सकता है एक क्रेडिट में आ सकता है। तो जैसा दिया रहेगा ना वैसा लिखने का, अगर डेबिट में दिया है तो दोनों डेबिट में इधर आके लिख डालो, क्रेडिट में दिया है दोनों क्रेडिट में लिखो, अगर एक डेबिट में एक क्रेडिट में दिया है तो जिसका डेबिट में उसका डेबिट में लिखो, जिसका क्रेडिट में उसका क्रेडिट में लिखो, बस इतना ही है, दैट्स इट। इसके ऊपर तुमको और कुछ भी मेहनत करने का जरूरत नहीं है, इट इज सो सिंपल। ठीक है, लिख डालो सब लोग टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, जिसका डेबिट में है उसका डेबिट में जाके लिखो, जिसका क्रेडिट में उसका क्रेडिट में जाके लिखो, दैट्स इट। इतना ही करना है और कुछ नहीं उसमें। ठीक है, अभी आगे का जो समय वो नॉर्मल है अपना, जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है, वो हम लोग करते हैं साथ साथ में, चलो फटाफट कर डालते हो सबको। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक 25,000, तो स्टॉक बोले तो ओपनिंग स्टॉक, तो ये 25,000 इधर। नेक्स्ट है परचेजेस, परचेजेस 55,000, तो ये इनर कॉलम में मिलेगा 55,000। उसके साथ है मेरा सेल्स 80,000, तो सेल्स सेल्स के सामने 80,000। नेक्स्ट टैक्स एंड इंश्योरेंस 2,500, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके मैं लिखेगा टू टैक्स एंड इंश्योरेंस, टू टैक्स एंड इंश्योरेंस वैल्यू 2,500। नेक्स्ट आइटम डेटर कंप्लीटेड, क्रेडिटर हमको लिखना है 10,100, तो लायबिलिटी बैलेंस शीट लायबिलिटी ऊपर से चार पांच लाइन छोड़ के मैं नीचे लिख दूंगा क्रेडिटर 10,100। नेक्स्ट रेंट ये हो चुका है, उसके बाद है वेजेस, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिख दूंगा मैं टू वेजेस 8,000। उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेबिट वाला बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिट वाला बिल्स पेएबल, तो बैलेंस शीट में जाओ इधर लिख दो बिल्स रिसीवेबल 6,100 एंड बिल्स पेएबल 3,000। डेबिट वाला रिसीवेबल, क्रेडिट वाला पेएबल। नेक्स्ट मोटर लॉरी 15,000, तो मोटर लॉरी इज माय असेट, मोटर लॉरी 15,000। कैसा है ना लॉरी बोलने को, कैसा लगता है, थोड़ा अजीब सा लगता है लॉरी। ठीक है, फर्नीचर कंप्लीट। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो सर हम लोग लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंसेस 500। नेक्स्ट परचेस इज रिटर्न 4,500 लेस फ्रॉम परचेस, तो 4,500 यहाँ पर, तो 55,000 माइनस 4,500 विल गिव मी 50,500, उसमें से और 5,000 लेस, तो 45,500 आउटर कॉलम, 45,500 आउटर कॉलम। नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट, तो यहां पर मैं लिखूंगा टू ट्रेड एक्सपेंसेस
₹200। उसके बाद वेयर हाउस रेंट है, तो वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो टू वेयर हाउस रेंट ₹300। एंड लास्ट में है बैंक 14,000, तो बैंक यहां पर आएगा, बैंक, अरे अरे अरे, बैंक आउटर कॉलम 14,000 हो गया। ठीक है, मैं क्वेश्चन रख रहा हूं तुम्हारे सामने, अगर कोई पीछे है तो वो लोग लिख सकते हो। ठीक है, आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स, लिख डालो फटाफट। चलो आई होप सबका ये लिख के हो चुका है, तो आ जाते हैं हमारे सम में। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। लेकिन देखो, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने टाइम पे ना हमेशा चेक करने है कि अंदर का सब वैल्यू मैंने बाहर लिखा है क्या। जब तुम्हें चेक करेगा तुमको दिखा देगा सर ये सेल्स का वैल्यू बाहर नहीं गया, तो यहाँ पर जिधर वैल्यू नहीं उधर डालो डैश, एंड ये वैल्यू को बाहर लेके आओ ₹80,000। ठीक है, मेरे को ढूंढ के दो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है, मैं नहीं करूंगा, तुम लोग ढूंढ के दो ग्रॉस प्रॉफिट आता है कि लॉस आता है ढूंढ के दो। कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट में, वेट कर रहा हूं तुम्हारे आंसर का। और ये सब अलग अलग अमाउंट बता रहे हैं मेरे को, चेक करो बराबर से, तीन लोग तीन डिफरेंट अमाउंट। कितना आ रहा है, 30,300 आना चाहिए। तो अगर तुम्हारा आंसर 30,300 आता है तो तुम्हारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, एक मिनट आ, बराबर 30,300 आता है तो तुम्हारा आंसर करेक्ट है। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है 30,300, ये हम लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहां पर लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 30,300। ठीक है, अभी नेट प्रॉफिट ढूंढो। रुको रुको माय डियर स्टूडेंट, एक मिनट का टाइम प्लीज। देखो, नेट प्रॉफिट ढूंढने का टाइम है ना, पहला चेक करने का कि क्या अंदर का सब वैल्यू मैंने बाहर लिखा है, तो तुमको मालूम पड़ेगा। देखो, बैड डेट्स बाहर नहीं आया, अरे दिख रहा है क्या बैड डेट्स, देखो ये बाहर नहीं आया, तो ये इसको हम लोग लिखते ना पहले, तो 1075, तो यहाँ पर वैल्यू नहीं है तो डैश, ओल्ड आरडीडी वैल्यू नहीं है तो डैश, तो मेरा बाहर के कॉलम में 1075 आएगा, 1075। तो अभी मैं कैलकुलेट करेगा, मेरा इनकम इस 30,300 का एंड मेरा एक्सपेंस का टोटल इस 14,000, तो डेफिनेटली मेरा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, लेकिन जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो सब लोग। सर अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो हम लिखेंगे क्या, देखो ध्यान दो। तो इधर मैं लिख रहा हूं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्या लिखू, ट्रांसफर टू क्या, पार्टनर्स क्या, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ब्रिलियंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। एंड फिर यहां पर आएगा राजा राम, ढूंढ के दो मेरे को वैल्यू, तुम लोग ही ढूंढो, चलो सीताराम, प्रैक्टिस होएगा तुम्हारा अच्छा खासा, फाइंड आउट द वैल्यू, क्या आंसर आना चाहिए। राजा राम, सीताराम, कितना आता है ढूंढो। ये आंसर आना चाहिए, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, अगर ये आ रहा है तो करेक्ट है। अभी रुको, अभी आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। सर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, जब भी नेट प्रॉफिट होता था हम लोग क्या करते थे, हम लोग सर कैपिटल में ऐड करते थे, तो अभी हम लोग करंट अकाउंट में जाके ऐड करेंगे। तो सर अगर करंट अकाउंट में मुझे ऐड करना है तो मैं नेट प्रॉफिट कहाँ लिखूंगा, क्रेडिट साइड में लिखूंगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट एंड राजा राम का कॉलम में राजा राम का फिगर कितना था, 9375, तो 9375 राजा राम का फिगर, एंड बाद में अपना सीताराम का कितना था, 6250।
एंड ये हो गया मेरा करंट अकाउंट। ठीक है, अभी सुनो, अभी अगर तुम बैलेंस शीट टैली करने जाएगा ना तो तुम्हारा बैलेंस शीट टैली नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि सर करंट अकाउंट का वैल्यू भी हमको बैलेंस शीट में लेके आना है। तो अभी हम उसको कैसे करेंगे? देखो पहला सा मैं करता हूँ। ठीक है, तो देखो सीताराम का क्रेडिट साइड का बैलेंस, सबका ध्यान स्क्रीन पे, मैं वापिस रिपीट नहीं करूंगा। सीताराम का क्रेडिट साइड का बैलेंस आता है सर 11,450 एंड डेबिट साइड में है 3,000। तो डेफिनेटली सर क्रेडिट साइड इज मोर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 11,450, यहाँ पर लिखूंगा मैं 11,450। तो इसका मतलब एक बैलेंस है ना मुझे यहाँ आता है, तो यहाँ पर आएगा टू बैलेंस, दिस इज माई क्लोजिंग बैलेंस, तो कैरिड डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। एंड यहाँ पर मेरा वैल्यू कैसे निकालेगा मैं, 11,450 माइनस 3,000 रुपया, दैट कम्स टू 8,450। वैसे हम लोग राजा राम का भी करेंगे ना तो भी देखो उसका क्रेडिट साइड ही ज्यादा है क्योंकि डेबिट में सिर्फ 3,000 रुपया ही है। तो ये क्रेडिट साइड का टोटल, दैट कम्स टू 17,675। तो ये 17,675 वापिस एक बार देख लेते, रॉन्ग नहीं होना चाहिए, 17,675 उसमें से 3,000 अगर माइनस होएगा तो 14,675 विल बी योर आंसर। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग लेके जाएंगे हमारे बैलेंस शीट में। अब ये बैलेंस शीट में सर कहाँ जाएगा? ये बैलेंस शीट में जाएगा हमारे लायबिलिटी साइड पर। ठीक है, ये बैलेंस शीट में हमारा जाएगा लायबिलिटी साइड में। एंड अगर ये बैलेंस हमको इस तरफ आया होता सर, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, अगर ये हमको क्रेडिट साइड में आया होता तो हम उसको लिखते असेट साइड में। ठीक है, और एक सिंपल तरीके में अगर याद रखना है ना तुमको, तो ये देखो ये एल एस है ना, एल एन ए, तो यहाँ पर अगर तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस है तो एल में डालने का, लायबिलिटी में डालने का, यहाँ पर तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस है ना तो ए में डालने का, असेट में डालने का। मतलब ये सब वो छोटा छोटा तरीका है जो तुमको एग्जाम में है ना, इट विल हेल्प यू टू सेव योर टाइम एंड एनर्जी। मतलब अगर तुम कभी फंस गया तो तुम कुछ गलत नहीं करके आएगा। ठीक है, ये एल एंड ये ए, ए मतलब यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस विल गो अंडर द हेड असेट एंड यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस विल गो अंडर द हेड लायबिलिटी। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लोजिंग बैलेंस। तो अभी सर ये जो है ना, ये हमको लायबिलिटी में लिखना है, तो लायबिलिटी में चलते हैं एंड लायबिलिटी में लिखते हैं। देखो अभी मैं कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से। तो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है ना, तो मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा, यहाँ पर ये जैसे मैं लिखा ना, इसको मैं कॉपी करूंगा, ऐसा तुम नोटबुक में नहीं कर सकता, और यहाँ लिखूंगा। तो इन प्लेस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर खाली नाम रहेगा करंट अकाउंट। तो राजा राम का जो फिगर है, क्या फिगर है राजा राम का? राजा राम का फिगर था 14,675, तो 14,675 एंड सीताराम का फिगर था 8,450, तो 8,450 एंड इसका टोटल हम लेके आएंगे बार के कॉलम में। तो इसका जो टोटल है दैट कम्स टू अराउंड 23,125, दिस इज माई टोटल। एंड फिर अभी हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा बैलेंस शीट टैली हो रहा है क्या। एक और इम्पोर्टेंट बात, रुको, एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो बैलेंस हमारा जो ये सम में एक ही साइड में आया है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि बैलेंस एक ही साइड में आ सकता है। ठीक है, ये बैलेंस है ना कभी इधर भी आ सकता है, ये बैलेंस कभी इधर भी आ सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मैं पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं, वरना क्या होगा, अगर तुम बैलेंस शीट में करेगा ना तो अगर नेगेटिव वेगेटिव में बाहर आंसर आएगा तो तुम कंफ्यूज हो जाएगा। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट कभी भी आया ना तो एक अलग से करंट अकाउंट बनाने का। यहाँ पर अगर तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस आता है तो उसको लायबिलिटी में लिखने का, यहाँ पर तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस आता है तो उसको असेट में लिखने का। ठीक है, एक इधर आया तो एक लायबिलिटी में लिखने का, एक असेट में लिखने का, दोनों अगर क्रेडिट में आया तो दोनों असेट में लिखने का। आई होप ये क्लियर है, सबको समझ में आया क्या? मैं एकदम आराम से और एकदम क्लियरली समझा तुमको। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें तुम्हारे पास कोई डिफिकल्टी होना चाहिए। ठीक, चलो बैलेंस शीट कर लो एंड बताओ मुझे क्या मेरा बैलेंस शीट टैली हो रहा है। तो 86,225 में मेरा बैलेंस शीट इज टैली। तो 86,225 में मेरा बैलेंस शीट टैली हो गया। वेरी गुड, सब लोग ने अच्छे से सॉल्व किया है, अच्छा लग रहा है मेरे को देख के। तो 86,225 में मेरा बैलेंस शीट इज टैली। ये है मेरा बैलेंस।
आई होप सबको समझ में आ गया, ठीक है, इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर एक ब्रीफली हम बात करते हैं तो हम लोग को इतना समझ में आ गया कि सर अगर करंट अकाउंट रहेगा एंड कैपिटल अकाउंट दोनों प्रेजेंट रहेगा क्वेश्चन में, तो हम जो भी एडजस्टमेंट है वो सब करंट अकाउंट में कर देते हैं, ठीक है। एंड हम लोग एक अलग से करंट अकाउंट बनाएंगे, वो करंट अकाउंट का तरीका कैसे रहेगा, सब एड वाला आइटम को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे एंड सब लेस वाला आइटम को हम डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर फाइनल जो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आएगा उसको हम असेट या लायबिलिटी में लेके जाएंगे। अगर मेरा वैल्यू डेबिट साइड में आता है फाइनल में, मतलब क्लोजिंग बैलेंस, तो मैं उसको लायबिलिटी में लिखूंगा। अगर मेरा वो वैल्यू क्रेडिट में आता है तो मैं उसको असेट में जाके लिखूंगा। और एक और चीज याद रखने का कैसा तरीका है, सर ये यहाँ पर आएगा तो लायबिलिटी, ये लेस एल एल, एंड यहाँ पर आएगा तो असेट, ये ए ए, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक इसके पीछे, देयर इज नो लॉजिक एज सच, मतलब एक छोटा सा शॉर्टकट है जो तुम अपने लिए याद रख सकते हो जिससे तुमको डिफिकल्टी नहीं होगा, ठीक है। आई होप दिस सम इज एब्सोल्युटली क्लियर। चलो तो लेट्स स्टार्ट, थोड़ा फाइनल पार्ट में ना कुछ नया चीजें सीखते हैं। कभी कभी है ना तुमको ट्रायल बैलेंस में ना कुछ ऐसे नाम दिया जाएगा, ठीक है, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, सिंपल भाषा में पीएफ। फिर दूसरा दिया रहेगा तुमको प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, नेक्स्ट, एक प्रोविडेंट फंड, दूसरा प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, फिर प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, ठीक है। ऐसे चार आइटम कभी कभी तुमको है ना ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा। तो सर ये कहाँ लिखने का, अगर ये ऐसा कुछ आता है प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो इसको किधर लिखने का, तो हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय प्रोविडेंट फंड, इसका तुमको पहले मीनिंग पता होना चाहिए। लेट अस टेक एन एग्जांपल, सपोज अपना वही फेवरेट स्टूडेंट अर्शकरण गुटकर, ठीक है। ये अर्शकरण गुटकर है ना मेरे बिजनेस में काम करता है और वो मेरे बिजनेस का ना बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉई है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मेरा बिजनेस में कोई भी आता है ना मेरे पास तो सबसे पहले वो अर्शकरण गुटकर को मिलता है। क्यों, क्योंकि अर्शकरण गुटकर है ना मेरे बिजनेस में बाहर वॉचमैन है, ठीक है, एग्जाम है बुरा नहीं मानने का, वॉचमैन है ऐसा सलाम साहब। तो एक दिन है ना मैं देख रहा था, जब अपने ऑफिस में बैठा था तो मेरे को है ना आरएस के लिए बहुत बुरा लग रहा था, मैं बोल रहा था बेचारा इतना अच्छा लड़का है, लेकिन अभी उसका रिटायरमेंट होने के बाद उसके लिए मेरे को कुछ तो करना चाहिए, मतलब अभी वो 30 साल का है तो अभी 60 साल के बाद जब वो रिटायर हो जाएगा काम से, तो मैं मेरे तरफ से उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं अर्शकरण गुटकर को बुलाऊंगा अपने कैबिन में, मैं बोले अर्श कम यार, तो हर्ष आएगा, हर्ष जो है सलाम साहब, मैं बोला अरे हाँ ठीक है, मैं बोला हर्ष देख तेरा है ना सैलरी, सुनो स्टोरी सुनो, मैं हर्ष को बोल रहा हूँ हर्ष तेरा सैलरी है ना 10,000 रुपए है, तो हर्ष एक काम कर, ठीक है, मैं तेरे को 10,000 सैलरी देता था ना, आज के बाद है ना हर्ष मैं तेरे को 8,000 रुपए सैलरी देगा एंड 2,000 रुपया मैं तेरे नाम पे ना सेव करते जाऊंगा, एंड जिस दिन तू रिटायर होगा उस दिन तुझे 2,000 रुपया ना मैं वापिस कर दूंगा, पूरा जितना भी तेरे नाम पे जमा है वो पूरा का पूरा 2,000 रुपया तेरे को वापिस करूंगा। अभी अर्शकरण गुटकर बता क्या तेरे को ये मंजूर है? नहीं। क्यों नहीं? 2,000 कम मिल रहा है ना। हाँ देखा, मैं मानता कर दी ना छोटी बात, तो मैं उसको बोलूंगा देख अरे देखा कर दी ना छोटी बात, मैं बोलेगा अरे भाई 2,000 तेरे हिस्से में कट कर रहा हूँ, प्लस मैं अपने जेब से, ठीक है, मैं अपने जेब से 2,000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा, मतलब मैं अपना भी कॉन्ट्रीब्यूशन दूंगा, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन दूंगा 2,000 रुपया, मतलब हर्ष के नाम पे कितना पैसा जमा हो रहा है अकाउंट में, हर्ष के नाम पे टोटल पैसा जमा हो रहा है 4,000 रुपया, एक हर्ष का सैलरी से काटा हुआ 2,000 एंड दूसरा मैं अपने जेब से जो दे रहा हूँ वो 2,000। बोल हर्ष क्या तुझे अभी मंजूर है? देखा लालची, अभी 2,000 ज्यादा मिल रहा है ना, हाँ अभी चलेगा, तो ये ऐसा रहता है, दिस इज ये जो सिचुएशन है ना जो मैं पैसा जमा कर रहा हूँ 4,000, इसको बोला जाता है प्रोविडेंट फंड। ये जो पैसा है, ये पैसा, ये जो प्रोविडेंट फंड है, ये मैं हर्ष को कभी दूंगा, ऑन हिज रिटायरमेंट, जब हर्ष रिटायर होगा ना तो उस टाइम पे मैं हर्ष को ये पैसे दे दूंगा। देखो मेरा वर्ड्स एकदम क्लियर है, दिस इज प्रोविडेंट फंड, इट इज पेएबल टू हर्ष ऑन हिज रिटायरमेंट इफ इट इज पेएबल इन फ्यूचर,
then it should form part of my liability. Perfect. So sir, if it is payable in future, तो ये जो प्रोविडेंट फंड है इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ माय लायबिलिटी. ठीक है, तो ये हो गया मेरा लायबिलिटी. अभी जो मैं हर्ष के नाम पे पैसा जमा करते रहूंगा, ठीक है, ये 4000 तो मैं उसको पे करूंगा, लेकिन ये 4000 रुपया क्या मैं अपने घर पे रखूंगा, मतलब घर में खड्डा खोद के पैसा छुपा के रखेगा? नहीं नहीं सर, इसको या तो मैं बैंक में रखूंगा, ठीक है, या तो मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा, कोई शेयर में डाल दूंगा, ठीक है, कहीं म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा, तो ऐसा कहीं ना कहीं तो है ना, मैं इसको इन्वेस्ट कर दूंगा. तो अगर मैं इसको इन्वेस्ट कर रहा हूं तो हर्ष के रिटायरमेंट तक वो जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट मेरे लिए असेट है. ठीक है, अभी सवाल ये उठता है कि सर अगर आपने हर्ष का ये जो पैसा है 4000 रुपया ये अगर आपने बैंक में डाला, ठीक है, रुको अपन बात करते हैं सर, ये 4000 रुपीज अगर आपने बैंक में डाला तो बैंक सर आपको इसका इंटरेस्ट देगा, क्योंकि हर्ष आज तो 30 साल का है, 30 साल तक का आपको इंटरेस्ट मिलेगा. ये इंटरेस्ट कौन रखेगा सर? क्या ये इंटरेस्ट आप रखेगा कि ये इंटरेस्ट भी आप हर्ष को दे देगा? मैं बोलेगा देखो मैं जितना बड़ा हूं ना मेरा दिल भी उतना ही बड़ा है, तो ये जो इंटरेस्ट भी मिलेगा ना वो भी मैं हर्ष को दे दूंगा. दे दूंगा मतलब इट इज पेबल इन फ्यूचर. तो ये जो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड है इट इज पेबल इन फ्यूचर. इफ इट इज पेबल इन फ्यूचर इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ माई लायबिलिटी. तो लायबिलिटी में सर कहां लिखेंगे हम? वी विल एड इट टू प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड में हम लोग इसको ऐड कर देंगे. मतलब अगर तुमको प्रोविडेंट फंड एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड दे देगा ना, तो ये इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड हम इसमें ऐड कर देंगे. ऐसे लिखेंगे प्रोविडेंट फंड ऐड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड. ठीक है, इजी. नेक्स्ट है ये कॉन्ट्रीब्यूशन. सर ये जो 2000 रुपया आपने आपके जेब से दिया है हर्ष को, तो ये मेरे बिजनेस के लिए क्या है? ये मेरे बिजनेस के लिए क्या एक्सपेंस है ना? बराबर ना, एक्सपेंसेस है. तो ये जो प्रोविडेंट फंड का जो आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, दिस इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस. सो वी विल राइट इट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में. ये लायबिलिटी क्यों? सिंस इट इज पेबल इन फ्यूचर, पेबल ऑन रिटायरमेंट. सर रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगा ये. इट इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस एंड ए असेट क्यू? बिकॉज ये मेरा इन्वेस्टमेंट है. तो ऑल इन्वेस्टमेंट आर माई असेट्स ओनली. तो ये है हमारा 4 आइटम. ये आता है कभी कभार एग्जाम में, ये लोग है ना ये चारों साथ में दे देते हैं, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड. तो अगर प्रोविडेंट फंड आएगा तो लायबिलिटी, बिकॉज ये रिटायरमेंट में मिलने वाला पैसा है, मतलब मुझे देना है हर्ष को, तो मेरे को देना है, तो इट इज लायबिलिटी फॉर मी. इंटरेस्ट जो पैसा मैंने बैंक में डाला है उसमें जो इंटरेस्ट आएगा वो भी मैं हर्ष को दे देगा, लायबिलिटी. कॉन्ट्रीब्यूशन सर मैं अपने जेब से जो पैसा हर्ष के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, इट इज एक्सपेंस फॉर माई बिजनेस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. एंड जो पैसा मैंने बैंक में रखा है इट इज माई इन्वेस्टमेंट. ये इन्वेस्टमेंट में हर्ष के रिटायरमेंट में, अगर सपोज बैंक में रखा है तो बैंक से मैं पूरा पैसा हर्ष के रिटायरमेंट के टाइम पे निकालूंगा और हर्ष को दे दूंगा. शेयर्स में डाला है तो पूरा शेयर्स में उस टाइम पे बेच दूंगा, हर्ष को दे दूंगा. म्यूचुअल फंड में डाला है तो भी सेम, मतलब इन्वेस्टमेंट इज माई असेट. तो ये चीज को है ना ध्यान में रखने का. इसमें मिस्टेक एरिया क्या मान में मिस्टेक एरिया है ये इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड को है ना लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिख देते हैं. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. इट इज नॉट माय इनकम, इट इज द अमाउंट दैट इज पेएबल टू हर्ष ऑन हिज रिटायरमेंट. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. ये वेरी इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स है. ये आएगा ना तो तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में आएगा, इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर ट्रायल बैलेंस. ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन. ठीक है, That's it for today's class. Thank you so much. मिलते हैं अपने next class के लिए.